खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बोरनपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी एवं निषाद पार्टी के समर्थित प्रत्याशी प्रशांत सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने देश व प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्र ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने का काम किया। उन्होंने बताया, जो भी विकास कार्य हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। इसके पूर्व की सरकारें केवल देश व प्रदेश को लूटने का काम की। जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार बनी है, देश व प्रदेश में अमन चैन कायम है। विकास को रफ्तार देने का काम किया गया है, इसलिए एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। इसी क्रम में लालगंज क्षेत्र की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आजमगढ़ की जनता का सुधरने की उनके पास समय नहीं होती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गांव जनता माताएं बहने जब रोड पे सब लोग निकले तो मंत्री जी को पिपरमिंट लगा के एक रुमाल में, तो मैंने पूछा क्या देवी मैया का गीत केवल ऐसी जाति बिरादरी करता, ऐसा तो है नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। हमको जो भी जिम्मेदारी दिया है पूर्वांचल ने, हमने अपने जीवन में कभी पूर्वांचल का नाम नहीं पूरे जिले का पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। हर यहाँ तो परिवर्तन लाना है, क्योंकि अगले जो भी विधायक यहाँ रहे हैं उनकी संरक्षण में जो भी यहाँ के सारी चीज़ें वो विकास रुक चुकी है। ठीक है, अब यहाँ जो नए हमारे विधायक प्रशांत भैया आएंगे तो चौमुखी विकास करेंगे अतरौलिया का, यहाँ की जनता विकास देखेगी। जैसे योगी जी ने कहा था सारी सड़कों को करना मुक्त, आपकी बातों से कहाँ तक यहाँ के महिला पुरुष कैसे मान जाएंगे कि आपकी बातों से मान रहे हैं भैया? किसी को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं विकास चौहद्दी हो चुकी है और जो बकाया है वो अगली सरकार जब बनती है हमारी 10 के बाद तो सब कुछ कर चलना शुरू हो जाएगा। इस बार की क्या तो आपके अतरौलिया विधानसभा में क्या माहौल है? अतरौलिया विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में मोदी योगी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और अतरौलिया में जनता आपकी मन बना चुकी है परिवर्तन का। और यह जानिए कि चुनाव जनता लड़ रही है अतरौलिया में, कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। पिछली बार वाली चूक तो कहीं नहीं दिखाई? नहीं नहीं, कोई चूक नहीं, जनता पिछली बार आपसे बोल दिया है, सबक ली है जनता, आपकी बार पूरा परिवर्तन करने के पक्ष में है और परिवर्तन होकर रहेगा। कितने वोटों से आप इस बार विजयी हो रहे हैं? कम से कम 25,000 वोट, 25,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, निषाद पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से 25,000 वोट से जीतेगा। कार्यक्रम का प्रकाश डालिए, कैसा कार्यक्रम रहा? हरीश तिवारी, हम भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं और इस विधानसभा अतरौलिया के चुनाव के संयोजक। आज जो पूरे अतरौलिया विधानसभा के हर गांव से नौजवान किसान, हमारी माताएं, हमारी सारे लोग जो आए हैं, ये आज का जो समर्थन मिला है आज इस मनोज तिवारी की ये तय कर दिया 2022 का जो अतरौलिया विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपना दल और संजय निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी की जीत तय हो गई। मनोज जी को बुलाने का कारण क्या रहा? मनोज जी दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। मनोज तिवारी जी का पूर्वांचल में रिश्ता है, यहीं से वे पढ़े मढ़े हैं काशी में और मनोज तिवारी इस अतरौलिया और पूर्वांचल लोग इन्हें चाहते हैं। पिछली बार मनोज तिवारी ने एक जनसभा किया था कन्हैया के पक्ष में, जी जी करने का अपील की थी, उसका क्या था इस बार? भारत माता की जय, हम मात्र भारत माता की जय, लेकिन इस बार सरकार की सरकार के तंत्र का उन्होंने दुरुपयोग किया। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कर सरकार थी, आप लोग नाश्ता करके जाइए, नाश्ता करके जाइए अपने अपने घर, हमारे साथ नाश्ता करके पार्टी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी जातियाँ हमारे साथ,
यहाँ पे करोलिया में बसपा प्रत्याशी रामरूम की बदौलत यहाँ चुनाव, आपको पता होना चाहिए उन्होंने उनका मतलब मेन वोटर बसपा का जात की राजनीति नहीं करते हमारे पास। यही देख लीजिए राम सूरत राजभर लड़ रहे हैं, यही किशमुरारी विश्वकर्मा लड़ रहे हैं, यही कुटुब मिश्रा अखिलेश मिश्रा सदर से लड़ रहे हैं, मनोज यादव निजामाबाद से लड़ रहे हैं, सत्येंद्र राय जी लड़ रहे हैं, मंजू सरोज जी लड़ रहे हैं, वंदना सिंह लड़ रही है। हम जात की राजनीति नहीं करते। आपका सबसे प्रत्याशी जो पूरी तरह से